कुशीनगर जनपद के थाना अहिरोली बाजार हलका नंबर एक में तैनात चर्चित सिपाही के शहर पर थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार और जनपद के पुलिस अधीक्षक इस मामले में सख्त हैं, तो वहीं हलका नंबर एक में तैनात चर्चित सिपाही अवैध कारोबारियों से संलिप्त है। थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव के एक महिला शराब कारोबारी ने अपने दबी जुबान से बताया कि साहब को 1500 रुपए हर महीने की 4 तारीख को दिया जाता है, जिसकी भुगतान 2 किश्तों में की जाती है। 4 तारीख को और 1010 तारीख को ऐसे ही लोगों की वजह से आज साफ सुथरी छवि वाले पुलिसकर्मी शर्मसार हो रहे हैं, जिससे पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही है। अगर महिला को आरोप लगाना होता है तो वो हलके के किसी अन्य सिपाही को भी लगा सकती थी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस चर्चित सिपाही के शह पर क्षेत्र में तमाम अवैध कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सौरू के ना सौरू बाबू कौन नाम है? सौरू बाबू है का है? सौरू बाबू हाँ मुछिया नहीं भाई से मुछ बा ले जाला हाँ और के ले जाला 1500 देनी रंजीत के हाँ रंजीत साहब के क्योंकि रंजीत साहब के कितना 1500 कहिया ले जाला 500 एक बार देनी 1000 एक बार कहिया ले जाला पहले ले जाए 4 तारीख के अठ ले जाए 10 तारीख के हाँ कितना देला वो न वो के देला वो नहीं के के रंजीत साहब के साफ बताओ के दे एकदम साफ देते हैं ये दखी रहा है बोलत है के देने वो नहीं के रंजीत साहब के ये महीना ले जाना हाँ कै तारीख के 4 तारीख के 10 तारीख के बीच में ये बताइए साहब।